तो गाइस चाय की चुस्की हो चुकी है, मज़ा आ गया। अभी थोड़ा रिफ्रेश लग रहा है। अभी हमने मैप भी लगाया, आप देख सकते हो, क्योंकि आगे एक डायवर्जन है और वो हमको मिस नहीं करना है। यहाँ से सीधा 25 किलोमीटर दिखा रहा है, उसके बाद शायद से डायवर्जन है और अभी भी हमको पहुँचने के लिए 3 आवर्स 16 मिनट दिखा रहा है, 160 किलोमीटर्स टू ओंकारेश्वर। चलो गाड़ी चालू करते हैं और भोले बाबा की जयकारे लगा के निकलते हैं। तो गाइस ये माहौल कुछ ऐसा है, 4:15 हो रहा है, आप देख सकते हो। ये धुंध है हल्की हल्की, क्योंकि दोनों तरफ खेत है, खेत में जो पानी होता है, जो पानी डाला जाता है, उसी की वजह से धुंध होती है। और ठंड भी बढ़ चुकी है थोड़ी, मतलब अभी मेरे हाथ, मैंने ग्लोव चेंज किए हैं, ये मेरे समर ग्लोव है जो मैं सिटी में यूज करता हूँ, वो मैंने पहने थे, क्योंकि जो मेरे नॉर्मल ग्लोव है उससे एक्शन कैमरा ऑपरेट करना थोड़ा दिक्कत हो जाता है। लेकिन अभी ये ठंडे हो चुके हैं, तो आगे कहीं हम रुकते हैं और ये ग्लोव चेंज कर रहे हैं। डिस्टेंस इज 129 किलोमीटर लेफ्ट, विच विल टेक 2 आवर्स एंड 44 मिनट्स। सो गाइस आपने सुना रहा है कि एमपी राजस्थान में काफी सारी भेड़ बकरियां रोड पे घूमते रहते हैं, देखो ये ऐसा कुछ नजारा होता है। और अगर स्पीड में रहेगा गाड़ी तो जरूर कुछ ना कुछ होना है। ये ऐसे कुछ है, तो चलो ठीक है, देखते हैं आगे। गवर्नमेंट ने, लोकल गवर्नमेंट ने इसका कुछ करना चाहिए, स्पेशली राजस्थान और एमपी में काफी सारे एक्सीडेंट हो चुके हैं। आपने काफी सारे यूट्यूब पे भी देखे रहेंगे, काफी सारे यूट्यूबर्स के भी एक्सीडेंट हो गए यहाँ पे इसी वजह से। लेकिन क्या करें, जब तक कोई बड़ा मिनिस्टर या कोई कुछ किसी का होता नहीं है, जैसे जैसे रतन सॉरी ये टाटा ग्रुप के जो है, क्या नाम था उनका, उनका एक्सीडेंट हुआ, उसके बाद पीछे के सीट बेल्ट मैंडेटरी कर दिया, ऐसे कुछ मास्टर होना जरूरी है क्या, तभी करेंगे। तो गाइस यहाँ पे हम रुके एक बायो ब्रेक के लिए, मौसम ठंडा हो रहा है धीरे धीरे, और जब तक हम ओमकारेश्वर पहुँचेंगे अच्छी खासी ठंड हो जाएगी। तो चलो अपना काम करते हैं, फिर यहाँ से निकलते हैं। सो गाइस यहाँ पे हम रुके हैं, जरा मैप चेक कर रहे थे, 715 मीटर्स पे हमको एक राइट लेना है, तो उसको क्रॉस वेरीफाई कर रहे थे, क्योंकि ये हाईवे पे यू टर्न्स नहीं है, तो वी डोंट वांट टू गो अहेड एंड कम बैक अगेन इन द रॉन्ग वे। तो चलो अभी निकल रहे हैं यहाँ से, 2 घंटे 5 मिनट दिखा रहे हैं फॉर 87 किलोमीटर्स, एंड द एस्टिमेटेड टाइम ऑफ अराइवल इज 6:37। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर, सो गाइस हमको यहाँ से राइट लेना है एज पर गूगल मैप। एक रोड सीधे भी जाता है, बट दैट इज 9 to 10 मिनट्स लोअर, और गूगल मैप हमको ये सजेस्ट करी है, और हम हमेशा की तरह आँख बंद करके गूगल माता की जो भी हम आँख बंद करके गूगल माता जो भी कहती है हम वो करते हैं, नो क्वेश्चन फर्स्ट। हमने ये राइट लिया है यहाँ से, अभी देखते हैं ये रोड कैसा है। उस हाईवे जितना अच्छा शायद से नहीं होगा, क्योंकि ये इंटीरियर रोड है, तो चलो कोई नहीं, जाना तो है, रोड अच्छा हो बुरा हो या रोड नहीं हो, पहुंचना तो जरूर है भोले बाबा के दर्शन के लिए। 2 घंटे 3 मिनट मतलब अंधेरा हो जाएगा, और आधे घंटे में शायद से अंधेरा हो सकता है। सो गाइस पिछले 2-3 किलोमीटर से हम लोग ये रोड पे जा रहे हैं, ये अब सीधा सीधा रोड था, सीधा सीधा, अभी आगे जाके थोड़ा राइट है ये, लेकिन ये वैसे सीधा सीधा रोड था, दोनों तरफ खेत खेत है, हरे हरे खेत है, ज्यादातर यहाँ पे गेहूं उगाया जाता है, और थोड़ा गन्ना भी दिख रहा है मुझे, और पीछे केले के पौधे भी थे। क्लाइमेट सुपर है, ठंड मुझे, मैंने जितना सोचा था उतनी तो ठंड है नहीं यहाँ पे, मतलब जो हाईवे पे जो लग रही थी वैसे वाली नहीं है, लेकिन शायद से रात को बढ़ेगी।
तो अभी यहाँ से ओंकारेश्वर 1 घंटा 25 मिनट की सैर है फॉर अ डिस्टेंस ऑफ सम 1 मिनट करा 68 किलोमीटर। यार ये चश्मे मुझे है ना मोबाइल के लिए चश्मा लगता है, तो शायद से 63 है सॉरी। तो काइंडली एड्रेस आपको वीडियो में दिख जाएगा कितने किलोमीटर है। मैं ड्राइविंग कर सकता हूँ बिना चश्मे के, लेकिन मोबाइल के लिए मुझे प्योरली चश्मा लगता है। मैं बिना चश्मे के तो मोबाइल कुछ भी नहीं कर सकता, मतलब काला अक्षर बेस बराबर है मेरे लिए। सो गाइस अभी हम हैं पेट्रोल पंप पे और ओमकार पेट्रोल भर रहा है। मैं यहाँ पे आया बैठा हूँ, ये ऐसा कुछ है और 90 odd kilometers बाकी है। सोचा थोड़ा यहाँ पे जब तक वो पेट्रोल भरता हूँ थोड़ी पीठ टेक लूँ, घुटने दर्द हो रहे हैं। अभी जाके मुँह की मालिश होगी रूम पे जाके, तो 1 घंटे 40 मिनट लगने चाहिए। और ठीक है, बट दैट इज़ हाउ इट इज़। अगर दोस्ती की है बाइक से तो निभानी तो पड़ेगी, ये दुख दर्द तो झेलना पड़ेगा, लेकिन इसमें भी मज़ा आता है। व्हेन यू रीच द लोकेशन एंड यू सी द लोकेशन, वहाँ आपकी खूबसूरती आप देखते हो, तभी ये सब है ना दर्द दुख सब निकल जाता है। तो चलो फिर 2 मिनट बैठता हूँ मैं यहाँ पे और फिर यहाँ से निकलते हैं। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। तो भाई शाम के 5:30 बज चुके हैं और अभी भी 51 मिनट दिखा रहे हैं फॉर अ डिस्टेंस ऑफ अराउंड 34 किलोमीटर। तो 6:30 बजे तक पहुंचना चाहिए। दिक्कत ये है कि अभी हमारे यहाँ पे रूम बुक नहीं है, ओंकारेश्वर में है ना ओयो वगैरह कुछ भी नहीं है, तो हमें जाके रूम ढूंढना है। तो चलो कोई नहीं, टेंशन नहीं रहेगा ज़्यादा, क्योंकि रिलीजियस प्लेस है तो काफ़ी सारे लोग आते रहेंगे, तो होटल्स भी रहेंगे। तो ऐसी कोई जगह देखेंगे जहाँ पे बाइक सेफली पार्क कर सके ताकि रात को दिक्कत ना हो, क्योंकि पिछले बार जब मैं कोल्हापुर गया था मैंने गाड़ी, मतलब अच्छा खासा था होटल था, नीचे पार्किंग भी थी, लेकिन पार्किंग में भी इंडिकेटर एक किसी ने तोड़ दिया रात को। तो चलो फिर अभी यहाँ से पहुँचते हैं ओंकारेश्वर, फिर मिलते हैं आपसे। तो हम नर्मदा नदी क्रॉस करने वाले हैं, आगे जो दिख रहा है ये ब्रिज। तो चलो आगे चलते हैं, मैं आपको नज़ारे दिखाता हूँ। ओ यहाँ पे डैम भी है और डैम के शायद से उस तरफ पानी है, क्योंकि इस तरफ ओ नहीं पानी उस तरफ है लेकिन इतना भी नहीं है जितना चाहिए, उतना वेदर क्लियर नहीं है अभी, पता नहीं ये पोल्यूशन है ये फॉग है क्या है। बट देन एक हवा में ना एक हल्की सी स्टिंक है, स्टिंक नहीं बोल सकते मतलब कुछ ऐसे जलने की बू जैसे आती है ना हल्की हल्की, वैसे कुछ है। गाइस यहाँ पे ये मेला लगा हुआ है, अभी हम फिर से नर्मदा रिवर क्रॉस कर रहे हैं और यहाँ से ओंकारेश्वर ज़्यादा दूर नहीं है। अभी भी 22 मिनट दिखा रहे हैं, 22 मिनट इसके लिए दिखा रहे हैं क्योंकि यहाँ पे काफ़ी ट्रैफिक है, आप देख सकते हो काफ़ी गाड़ियाँ हैं यहाँ पे। अभी हमको रूम मिलने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बस आसानी से रूम मिलेगा फटाक करके, तो फटाक करके हम जाएंगे फ्रेश हो जाएंगे और बाबा के दर्शन लेंगे। सो गाइस हम ओंकारेश्वर पहुंच चुके हैं, शाम के 6:30 हो रहे और होटल भी मिल गया, मतलब ऐसे ही कुछ है ये। मैं आपको रूम टूर देता हूँ, ज़्यादा कुछ नहीं है तामझाम, बेसिक सा रूम है, बहुत बड़ी विंडो है और यहाँ का नज़ारा बहुत ही अच्छा है। तो बस अभी सामान लेके आएंगे रखेंगे और बहुत थक चुके हैं। आप पूछोगे कि किराया कितना होगा, तो 800 रुपये मिला हमको, विच इज़ अ वेरी गुड डील। गर्म पानी नहीं है, सब है यहाँ से 3 किलोमीटर पे मंदिर है सिर्फ, तो बाइक है हमारे पास तो कोई दिक्कत नहीं होगी। तो चलो अभी ये सब उतारते हैं हमारे कवच और कुंडल और फिर निकलते हैं यहाँ से। तो फिर हम फ्रेश होके अभी ओंकारेश्वर मंदिर आ चुके हैं, हमारे होटल से ये 3 किलोमीटर है दूर, तो हमने सोचा कि अभी आए हैं तो दर्शन ले लेते हैं। सुबह को पता नहीं ज़्यादा भीड़ रहेगी तो कितना टाइम लगेगा, क्योंकि कल हमको आगे भी निकलना है।
तो गाड़ी पार्क करने के बाद आपको इस ब्रिज से ये नर्मदा नदी क्रॉस करनी पड़ती है। आप देख सकते हो यहाँ पे, तो ये नर्मदा नदी है जो इस ब्रिज के नीचे से बहती है और भोले बाबा का मंदिर नदी के कुछ छोर पे। मंदिर का प्रवेश द्वार कुछ ऐसे है, यहाँ से आपको अंदर जाना है। नीचे चप्पल स्टैंड ऊपर है, अगर आपको ऊपर रखना है या तो नीचे से आप फूल या तो फूल प्रसाद दे रहे हैं तो आपको नीचे ही उनके पास रखने की सुविधा मिलेगी। बोलो जय भोले बाबा, हर हर महादेव। गाइस हमारे दर्शन हो चुके हैं, इतने ज़बरदस्त दर्शन हुए, मतलब ज़्यादा टाइम भी नहीं लगा, 10 मिनट में दर्शन हुए और एक नहीं दो बार हमने दर्शन लिए, मतलब पहली लाइन से निकले वापस सेकंड टाइम गए और दूसरी बार हमने दर्शन लिए, तो चलो बहुत अच्छी तरह से दर्शन हुआ। तो कल सुबह का ये प्लान है कि हम करेंगे परिक्रमा, तो यहाँ पर परिक्रमा करना ज़रूरी है, अगर इतनी दूर आए हैं परिक्रमा नहीं करते हैं तो गलत होगा, तो यहाँ पर हम लोग परिक्रमा करेंगे और फिर आगे के सफर पर चलेंगे। तो चलो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगा, पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और यहाँ तक वीडियो देखा है तो लाइक करना ना भूलिए। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद।